हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं सुबह सुबह घूमने के लिए। अपने घर से एक नियर बाय पार्क है, वहाँ पे घूमने आए हैं। तो अभी जो है रात में स्नोफॉल हुआ था, तो एकदम जो पूरा एरिया है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुका है। विंटर वंडरलैंड वाली फीलिंग हमें आ रही है। हालांकि अभी बहुत कम स्नोफॉल हुआ है, हल्का ही हल्का है, बट कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग है। देखते हैं कितना स्नोफॉल यहाँ पे होता है। और ये एरिया मैं आपको दिखाती हूँ अभी स्नोफॉल के बाद कैसा लग रहा है। मिशी यहाँ रास्ते में खेल रही है स्नो से। मिशी क्या बना रहे हो? बॉल। वाओ। इस पार्क में हम समर सीजन में भी आते थे और आज आए हैं विंटर के टाइम पे, तो काफ़ी अलग लग रहा है, एकदम डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है किसी और ही एरिया में आ गए हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे लोग अपना योगा करते थे और अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज़ किया करते थे। आज यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है तो ये एकदम खाली है, बस इधर उधर लोग वॉकिंग ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने मस्त सा स्नोमैन बना दिया है और स्टिक्स वगैरह लगा दिए हैं और मस्त जो है मिट्टी लगाई हुई है, देखो आइस में। तो अच्छा यूज़ किया है यहीं पे इसी सामान का और बना दिया है स्नोमैन। और अब हम जिस साइड जा रहे हैं उस साइड पॉन्ड था, तो हमने पहले भी जो है उसका एक व्लॉग बनाया हुआ है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो उसे। तो अभी हम पॉन्ड में देखते हैं वहाँ पे किस तरह का वो हुआ है, स्नो कैसे पड़ी है वहाँ पे, क्या है। तो अभी फ़िलहाल जो है स्नोफ्लेक्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देख सकते हो मेरे जैकेट में भी नज़र आ रहे हैं स्नोफ्लेक्स पड़ते हुए। बाकी तो उतना पता नहीं चल रहा है, बट जब आईज़ में पड़ रहा है ना, आईलिड्स में, तब थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है। तो अभी हम भी खेल लेते हैं थोड़ा स्नो से, और मिशी बोल रही है कि मेरे लिए केक बनाओ यहाँ स्नो का, तो हम ट्राई कर रहे हैं वही बनाने का। और थोड़ा सा इसको हमने डेकोरेट कर दिया है, यहाँ पे पत्तियाँ पड़ी थी उससे। तो मिशी, आपका केक रेडी है? योर केक इज़ रेडी। ये तो चलो अब आप अपना केक कट करो। Happy birthday to you, my lovely. Happy birthday to you. Wow, मिशी ने अपना केक कट कर लिया है ना? Wow, केक खाओगे भी? ना ना। खा लो केक, खा लो। तो ये है वो पॉन्ड और साइड साइड में से ये भी जम गया है। अभी और ज़्यादा गिरने लगे हैं स्नोफ्लेक्स, तो हम सोच रहे हैं मिशी और मैं कुछ थोड़ा मस्ती कर लेते हैं यहाँ पे, है ना मिशी? आर यू रेडी? तो चलो लेट्स गो। तो अभी स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं इसलिए मिशी ने जो है अपनी अम्ब्रेला खोल ली है। तो मिशी की डिमांड हो गई है अभी ठंड में कि चलो अब घर जाके हलवा खाते हैं। तो अभी घर जाएंगे तब मिशी के लिए बनाना पड़ेगा हलवा, है मिशी? और साथ में मिशी कह रही है कि मुझे कहाँ क्या करना है, प्लेग्राउंड में खेलना है ना। इस तरह का यहाँ पे हो रहा है अभी कुछ माहौल। और अभी तो नया नया जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ पे स्नोफॉल होना, तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जब 4 मंथ्स तक जो है ये कंटिन्यूसली होगा तब क्या होता है, तब हम इससे बोर हो जाते हैं या फिर जैसी एक्साइटमेंट अभी है वैसी रहेगी। और फिलहाल अभी तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जिस तरह से 3-4 दिन से यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रहा है, उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर जनवरी तक जो है एकदम विंटर वंडरलैंड वाली फीलिंग हमें यहाँ पे आएगी। और क्योंकि जनवरी और फैब जो है वही यहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स भी हैं, तो चलो देखते हैं तब क्या हाल होता है और आपके साथ भी शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। और फिलहाल जो है हम आ गए हैं प्लेग्राउंड में, अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। और 11:30 के आसपास हम यहाँ पे आए थे, अभी हो गया है 1:30, तो अब हो गया हमारा लंच का टाइम, इसलिए अब हम चलते हैं घर। और आज का व्लॉग बस इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, हैप्पी विंटर्स।